बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब? और कैसे हैं वो सारे रिश्ते जिनकी दिल से आप कदर करते हैं? कैसे हैं वो सारे रिश्ते जो आपकी हर इबारत हर शेर में मौजूद होते हैं? कैसे हैं वो सारे रिश्ते जिनके साथ आपकी खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं, जिनके साथ गम आप बांट लेते हैं? इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि आप और आपके साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आई एम योर होस्ट फैसल रशीद मलिक। और जनाब, आप मुझे सुन रहे हैं एफएम 97 के स्टूडियो से ब्राह रास्त खारियां। जी तो शो का नाम है म्यूजिक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है मगर साथ होती है कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। और ये मीठी गुड़ बातें करते हैं आप कमेंट्स करके फेसबुक पे, या एसएमएस व्हाट्सएप करके, या कॉल करके। कॉल के लिए मेरा नंबर है 0537601961, और व्हाट्सएप और एसएमएस के लिए 0302-395-9797। और जनाब, इस प्रोग्राम में हम आपका शौके शायरी देखते हैं, आपकी हालात हाजरा पर ग्रिप देखते हैं, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज के मतलब आपकी राय जानते हैं, रिश्तों के साथ आपके तलकात पे बात करते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे सीधा मौजूद पे बात करते हैं जरा से फनी अंदाज में, और बहुत सारे फनी अंदाज जो टॉपिक है उन पे हम बात करते हैं जरा संजीदा अंदाज में। और आज हम सुनने जा रहे हैं आपसे शेर और शायरी, क्योंकि जो शेर होता है वो दिल का हाल होता है। शायर जब शेर कहता है तो वो दरिया को कूजे में बंद करता है, वो आपकी सारी फीलिंग्स को एक लाइन में बंद करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर शायर ना होते तो हम मोहब्बत का इजहार कैसे करते? ये उस वाली मोहब्बत नहीं है जो सिर्फ लड़के और लड़की की होती है। इवन हम अपने वतन के साथ मोहब्बत, अपने मजहब के साथ मोहब्बत, अपने पैगंबर के साथ मोहब्बत, इन सारी खूबसूरत मोहब्बतों का जो इजहार का शानदार तरीन तरीका है वो शायरी है। और लिटरेचर की जो सबसे खूबसूरत सिर्फ है वो भी शायरी है। और मेरा ख्याल है कि तख्लीककार जिस तरह के भी होते हैं, वो ड्रामा लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं, गजल लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं, उन सब में से सबसे कमाल का तख्लीककार वो होता है जो शेर कहता है। और आज का यही टॉपिक है कि आपने मुझे दो शेर सुनाने, एक जरा रोमांटिक सा जिसमें दिल की कुछ फीलिंग्स हो, जिसमें कुछ दिल का हाल हो, किसी के हुस्न का बयान हो, और एक शेर जरा मजाई होना चाहिए जिसे सुनकर लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, चेहरा खिलखिला उठे। और फेसबुक में मुझे ज्वाइन किया है सईद सुलेमान ने, वो कहते हैं कि अजानों में खोया हुआ, नमाजों में रोया हुआ, मैं खुददारी की चादर में लिपटा एक आम सा लड़का। सईद सुलेमान है कोटलार बरिहां से, मेरा फेवरेट सिटी। बहुत शुक्रिया मुर्शिद। और इंजीनियर अकमल हुसैन इंकलाबी कहते हैं कि उनके पास इर्द गिर्द सब कुछ ठीक है, शुक्रिया। जीजान कह रहे हैं कि तेरे गहसू की छाँव में शाम हो जाए, तेरे गेसुओं की छाँव में शाम हो जाए, मेरी ये सारी जिंदगी तेरे ही नाम हो जाए। हैं बल्ले, कोई अग्गे पीछे भी बांट लो कि सारी एक बंदे नहीं दे दी थी। और शनाया अहमद कह रहे हैं नाइस शो, और अरसलान मलिक कह रहे हैं कि आज एक सूट मुफ्त देना पड़ा मुझे, तेरी हमनाम मेरी दुकान पर आई थी। सारे गल आम ना करो, नहीं तो सारे नो ही ना दस के तुहाडा कबाड़ा कर देना कारोबार दा, जिस तरह सूट बनन लगे है। हैं जी, को सो पंजा छड़ दिया करो, सारा सूट ही ना जान लिया करो। Thank you.
ਬਾਬਲ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਆਪਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਚਲੇ ਜਿਸ ਤਰਫ ਵੀ ਆਪਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ वो जो दावेदार है शहर में कि सभी का नब्ज शनास हूं कभी आके मुझसे तो पूछता मैं किसके गम में उदास हूं और सैयद सुलेमान अपना दुख मुझे बताते हैं कि मुझसे मोहब्बत सीख कर अपने कजन से शादी की उसने ये हमेशा होता है कि पुप्पी का पुत्र या मासी की थी लिहाजा शादी दे लेते ना लो ये मेरी किताबे हयात है से दिल की आंख से पढ़ जरा मैं वर्क वर्क तेरे सामने तेरे रूबरू तेरे पास हूं और अरसलान का ख्याल है कि किसी को तो पसंद आएंगे हम कोई तो होगा सादगी पसंद इतना भी बंदे नु सादा नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत आहो टशन मशन यू नो दैट और शनाया अहमद का ख्याल है कि उन्होंने दिल बेचा जहां बेची उन्होंने अपनी दुकान बेची और वो कहती है कि मैं मज बेची गां बेची हवेली दी सारी थां बेची फिर भी वो राजी नहीं हुई ओए खोए हुण अपने आप नू बेचो जी और जीजान का ख्याल है कि तेरी सादगी भी फ्रेब है यहाँ सादगी भी फ्रेब है यहाँ मेकअप भी फ्रेब है यहाँ हर तरफ अयारी ही अयारी है आपकी मुस्कुराहट भी एक फ्रेब है आपका गमजदा चेहरा भी एक फ्रेब है आपका मुस्कुराना आपका खिलखिलाना आपका अदाएं दिखाना यहाँ कोई किस किस फ्रेब से बचे जी शेर बहुत जबरदस्त चीज है बचपन में जो इस तरह के शेर हम पढ़ा करते थे मैं अत्र की शीशी पत्र पे डोल दूंगा खत ना खत का जवाब ना दिया तो खत लिखना छोड़ दूंगा वगैरह वगैरह वैसे आप पंजाबी शेर भी लिख सकते हैं और हसनी जलाल हमारे साथ हैं सलाम दे रहे हैं वालेकुम सलाम और अल हुसैन यूनस कहते हैं तुम मेरी जिंदगी की वो कमी हो जो किसी और के आने से पूरी नहीं होगी गले बनिया ना कोई और आ जाए सही चज वसुदा हो तो पूरी हो जाएगी और जीजान तैयार कहते हैं कि गल चंगी भली टोर लेंदे हो तुसी देखो जी इसे गल दे पैसे लेंदे ना गल नूं नहीं ते टोर ना हुंदा और शनाया ने जिंदगी का और एक रोमांटिक शेर भेजा कि मेरी जिंदगी का कुल असासा मोहब्बत तुझसे बेतहाशा सदके अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपसे ऑटोग्राफ लेता क्या शेर है यार और असद अली कह रहे हैं कि वो सऊदी अरब में है तो दुआ शाह करो अल्लाह लशरा करो जमजम पियो खजूरा खाओ उमरा करो साढ़े लिए भी दुआ करो मोहम्मद कमर जमान मुझे सलाम दे रहे हैं दुबई से थैंक यू कमर भाई और मुर्शद मुर्शद सैयद सुलेमान ने एक गजल भेजी है और उनका ये हुक्म है कि इसे पूरा पढ़ना है मेरे चेहरे पे उदासी की है आसार नुमाया अब कौन पढ़ेगा मेरे अशार नुमाया सर तुझे सानू डोलो ना असी पढ़ने ना इसे गले बैठे हैं अभी बात छेड़ी थी कि मैं हूं मुब्तलाए इश्क और छोड़ गए मुझको मेरे यार नुमाया
और अरसलान कहते हैं कि खूबसूरत चीजों में गुलाब आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर तो एफएम वाले शाह साहब हैं जो अभी शेर भेज रहे हैं, कमाल कर रहे हैं वैसे शाह साहब वाकई। और असद अली कहते हैं कि कोई परदेसी भाइयों के लिए गाना सुनाए, हाय दिल तोड़ के। नहीं नहीं यार, वो कौन सा गाना, तुम तो ठहरे पर दे। नहीं नहीं छोड़ो यार, क्या और जीजान कहते हैं कि मेरे ख्याल बीच ख्याल आया सी, उसके बाद कोई ख्याल आया। अगर उसके बाद कोई ख्याल आता तो जो विच ख्याल आया था वो नाकस होता, नापायदार होता, सच्चा नहीं होता। उदास दिल कहता है कि अल्फाज तब तक आपके होते हैं जब तक वो आपके दिल में पोशीदा रहें, मगर किसी से मोहब्बत हो तो इजहार कीजिए सर, दिल में मत रखिए। वो क्या है, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। या फिर वो मुनीर नियाज़ी की तरह आप ये ना कहते फिर हमेशा देर कर देता हूं मैं, किसी को दिल का हाल बताना हो, किसी को दिल के पोशीदा अल्फाज सुनाने हूं, हमेशा देर कर देता हूं। और असलाम कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है, तो सर मेरा नाम फैसल रशीद है। और जीजान साहब कहते हैं कि वो मैनचेस्टर से हैं, हैं 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 वाकई बड़ी बात है जी, आप इतने कूल दर्जा हरारत में भी हमसे बात कर रहे हैं, थैंक यू। और उमर उस्मान मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम बॉस। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि हर शेर किसी ना किसी के दिल का हवाल बताता है, हम बहुत सारे शेर पढ़ते हैं और हमें हमारे ज़हन में फौरन कोई पर्सनालिटी आती है कि यार ये शेर मुझे उसे सेंड करना चाहिए, उसे सुनाना चाहिए, ऐसा क्यों होता है वैसे सच्ची। और अदास दिन हमें बता रहे हैं कि रोशनी की एक किरण अंधेरे को खत्म कर देती है, बिल्कुल इसी तरह एक मुस्बत सोच मुश्किल हालात को बेहतर बना सकती है। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, योर पर्सनैलिटी विल टर्न पॉजिटिव। और दीजान कह रहे हैं कि उधर मैनचेस्टर में दर्जा हरारत 10 है, मैं तो समझो कोई मानस शानस बैठे हो, चंगे पढ़े राम नाड़ो के। हो सके तो नहीं, ये नहीं सुनाना। इस जहां में जितनी भी खूबसूरत जबानें बोली जाती हैं, नहीं नहीं वो क्या यार मैं भूल गया, हाँ इस तरह सुनाना था आपको कि सुबह शाम लिखता हूं, सुबह शाम लिखता हूं, इस जहां में जितनी भी खूबसूरत जबानें बोली जाती हैं, मैं उनमें से हर्फ चुनता हूं और तेरा नाम लिखता हूं, सुबह शाम लिखता हूं, है ना, मैं केटा बेला। और जीजान पूछ रही है कि मैं क्या जॉब करता हूं, तो मैं गल्ला करना, मेरी अम्मा का ख्याल है कि मैंने सिर्फ गल्ला। और जीजान पूछ रही है कि टेम्परेचर यहाँ खारियां गुजरात में पाकिस्तान में क्या है, तो खारियां गुजरात में टेम्परेचर एक स्वेटर पहनने के लायक है, दैट्स इट, बाकी वो सेल्सियस में मुझे नहीं पता। और अरसलान कहते हैं कि दिल के अरमां आंसू में बह गए, हम क्यूट होकर भी तन्हा रह गए, सिंगल रह गए। ओए होए, वैसे ये आपको किसने वह पाया है कि आप क्यूट हैं, हैं जी, ये फोटो आपने अपनी लाई है, मैं इसको जरा गौर से तक लूं फिर आपको दसता हूं कि आउट ऑफ 10 आपकी क्यूटनेस को मैं कितने नंबर देता हूं। और ये जीजान साहब हैप्पी बर्थडे किसको बोल रही है जी, किसकी बर्थडे आज, और हेरा मिर्जा है कि एक दिल ही नहीं माना वरना तुम्हारे बाद दुनिया, आगे क्या लिखा है,
मुंतजिर थी। हैं क्या बात है जी। और शराफत अली बदर से सलाम दे रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और जीजान का ख्याल है कि उनके मामू की आज सालगिरह है, तो इसलिए उनको विश करते हैं। तो बिल्कुल जी जीजान, आपके जो मामू हैं और मामू जान जो आप जीजान जिनकी भांजी है या भांजा है, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। मे अल्लाह गिव यू चौकी सारी हैप्पीनेस एंड सुकून, राज राज की हेल्थ एंड वेल्थ, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, लव यू। और आज हर उस बंदे की जिसको सालगिरह है, मेरी दुआ है कि आने वाले 365 दिन और हर दिन आपके लिए कमाल का हो, कामयाबियों का हो, खुशियों का हो, दुआओं की कबूलियत का हो। हा हा, यस आई नो दैट। मामे का नाम भी लिख दो सर, बाजा साहब। और सलाम कहते हैं कि एक तुम और नखरे तुम्हारे, एक हम है के सदके तुम्हारे। यार नखरे वाले बंदे के सदके नहीं आना चाहिए ऐसे, है फैसल शीत करी, ये तो मैंने आप देखा है। ओह थैंक यू। चौधरी हाजी अहमद, ये आपने अपने मामू का नाम लिखा है, तो चौधरी हाजी अहमद साहब सालगिरह मुबारक सर। केक शेक किधर है? और उदास दिल ने क्या लिखा है कि मटा सकेगी उसे गर्दो माहो साल कहां, खेंची हुई है जो तस्वीर यार, तस्वीरें यार आंखों में। हाय हाय, वाकई ये तो आंसू भी साफ नहीं करते, ये तो खून के आंसू रुला देती है, लेकिन ये तस्वीर निकलती नहीं है। नैब ने मुझे तलब किया, मेरे सासू में सिर्फ तुम निकले। तो उन्होंने पूछा नहीं कि ये नाजायज सासे आपने कहां रखे हुए थे, क्यों रखे हुए थे, कैसे कमाए, है ना, अपनी औकात से बद के सासे आपने क्यों रखे हुए थे। सोर्सेस बियॉन्ड मींस, केस बनता है वैसे शेख तुम पे। और ये के नजर नबज मेरी देख कर तबीबे जा, ये गोला वो जिंदा है तुझ में, तू मर चुका है जिसमें, तो तुसी भी मिट्टी पाओ ना पा जी, तुहाड़ी उन्हें फातिहा पाठ दी तो तुसी एवं ही ऑक्सीजन लाई फिर दे, कोरोना केस कर दो। और मोहम्मद शहबाज चौधरी कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फैसल भाई? तो चौधरी साहब मैं फिट एंड फाइन, आप कैसे हैं? जी 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 जनाब, जनाब डॉक्टर व्यास साहब का एसएमएस है सेंटर से, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शोज नाइस, थैंक यू डॉक्टर भाई। और उन्होंने शेर भेजा है कि ऊंची इमारतों ने मेरे घर को छुपा लिया, ऊंची इमारतों ने मेरे घर को छुपा लिया, लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। सर कोई गल नहीं, यूपीएस लवा लो, कि एवं टेंशन ले रही डॉक्टर साहब। और उदास दिल कहते हैं जी, ऐसा क्यों होता है कि हमारी आंखों की नमी किसी को नहीं दिखती, मगर हमारी जबान की तलखी सबको दिख जाती है। बस तेरे दुख सेठ, गल्ला वैसे सच्चियां ने।
और सुजान पैर प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू ब्रदर। और इनामुला कह रहे हैं कि सुन के तमाम रात मेरी दास्ताने गम, मुस्कुरा के वो बोले बहुत बोलते हो तुम। ऐ जी पत्थर नु सुनाने की कोई लोड़ी मामे, हाँ रोना भी बंदा चंगे बंदे के रोंदा है सादिया। और सुजान पैर कह रहे हैं आप लाइव बहुत कम आते हैं, बस ये और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सुहा। तो जो प्रॉब्लम जो भी आप पूछ रहे थे तो सम टाइम सोचा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मंडे ट्यूजडे 4 से 5 पाकिस्तान के 4 से 5 बजे अगले 2-2.5 माह की टाइमिंग वाइज में चेंज कर रहा हूँ। मैं अभी सभी सुनने वालों को बताता चलूँ कि वैसे तो म्यूजिक ऑन वीक्स जो मेरा शो है वो 3 से 5 होता है हर मंडे ट्यूसडे को, लेकिन मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं इसका थोड़ा सा टाइम चेंज कर रहा हूँ। अब ये मंडे और ट्यूसडे को 4 से 5 बजे हुआ करेगा अप्रैल तक, 1 घंटा का शो किया करूँगा मैं इंशाल्लाह। और अप्रैल के मिड में या अप्रैल के एंड पे हम इंशाल्लाह दोबारा इसको 3 बजे से 5 बजे तक कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हर मंडे ट्यूसडे 4 से 5 आप लोग मेरे साथ फेसबुक पे रहेंगे, रेडियो पे रहेंगे, टेलीफोन कॉल्स पे रहेंगे, एसएमएस पे रहेंगे, व्हाट्सएप पे रहेंगे, आले दौड़े रहेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और शवास कहते हैं कि करो सितम या करम हम गिला नहीं करते, यकीनन खजा में फूल खिला नहीं करते, ऐसे लोगों से मोहब्बत भी नहीं किया करते ना ही गिला किया करते। और उदास दिल कहते हैं कि कहीं तो लिखती होगी आपने दिल में छुपी बातें, कहीं तो बेशुमार लफ्जों में मेरा नाम भी होगा। अब जी तो जनाब 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 जी, तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे अपना वक्त दिया, अपने कमेंट्स से नवाजा, मेरा साथ दिया, मेरे जो रिस्पांस किया। आप लोगों से चाहूंगा मैं इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे ठीक 4 बजे होगी आपसे मुलाकात रेडियो पे भी और फेसबुक पे ही, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए शुगर मेले के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, कोई बात अधूरी रह गई है तो इसे कभी इंशाल्लाह जरूर मुकम्मल करेंगे। तो पहले मैं फेसबुक वाले दोस्तों से इजाजत ले लूं, तो बॉस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रोजाना चाय या कॉफी का एक कप जरूर पीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी बुक्स पढ़ा कीजिए, खुद को एज इंडिविजुअल एज टीम मेंबर एज टीम लीडर इंप्रूव कीजिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, आवारा गर्दी कीजिए। ये जिंदगी है, इसके स्यापे कभी खत्म नहीं होते, इसे जीना सीखिए, गुजार तो सारे ही रहे हैं, रब रखा।